भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे 5 वनडे मैचों की सीरीज से बाहर हुए विराट कोहली। दोस्तों आने वाले मैचों में करेंगे रोहित शर्मा कप्तानी। दोस्तों जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक माई क्रिकेट फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को सिर्फ 38 ओवरों में 157 रनों पर समेट दिया, और जिसमें मोहम्मद शमी ने भारत की तरफ से 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, यजुवेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए और केदार जाधव ने 1 विकेट लिए। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है बीसीसीआई के द्वारा, जिस तरीके से आज पहले वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से हराते हुए 5 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ली है, वहीं पर बीसीसीआई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और आने वाले आखिरी 2 वनडे जो कि होने वाले इन 5 वनडे मैचों की सीरीज से और उसके बाद 3 टी20 मैचों के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है और रोहित शर्मा करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। दोस्तों पहले वनडे में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को सिर्फ 38 ओवरों में 157 रनों पर समेट दिया, और जिसमें मोहम्मद शमी ने भारत की तरफ से 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, यजुवेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए और केदार जाधव ने 1 विकेट लिए। दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन 150 लगा पाए और उन्होंने 64 रन बनाए। दोस्तों उसके बाद फिर भारतीय टीम को 49 ओवरों में 156 रनों का टारगेट मिला और ये भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय टीम के ओपनर जो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आउट ऑफ फॉर्म रहे थे शिखर धवन, उन्होंने शानदार 50 लगाते हुए 75 रन बनाकर नवाज रहे और कोहली ने 45 रन बनाए। इस तरीके से भारतीय टीम ने पहले वनडे को 8 विकेट से जीत लिया है। और दोस्तों आने वाले 4 वनडे मैचों में सिर्फ 2 वनडे मैच विराट कोहली खेलने वाले हैं, उसके बाद फिर अगले 2 वनडे मैच और फिर 3 टी20 मैचों के लिए वो इंडिया वापस आ जाएंगे और उनको उसके लिए आराम दिया गया है। और दोस्तों कप्तानी का जिम्मा रोहित शर्मा के हाथों में रहने वाली है, तो ये बहुत बड़ी खबर। दोस्तों अभी अभी बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि विराट कोहली को जिस तरीके से अभी वनडे सीरीज के बाद फिर टी20 सीरीज होनी है और फिर इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होना है और उसके साथ साथ अभी आईपीएल भी खेला जाना है, विराट कोहली के वर्क प्रेशर को मैनेज करते हुए यहाँ पर ये टी20 सीरीज और वनडे के आखिरी 2 वनडे मैचों से आराम दिया गया है और भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि क्या न्यूजीलैंड में भी रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए माई क्रिकेट फैमिली चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।